हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव में नामांकन के आखिरी दिन राजनीतिक सरगर्मी तेज रही। दावेदारों ने किए जीत के दावे। नामांकन के आखिरी दिन पंचायत चुनाव के दंगल में अपना दम भरने वालों ने पर्चा भरा। पुरवा में नामांकन केंद्र पर दूसरे दिन भी उम्मीदवार जोश से लबरेज दिखे। एक एक ग्राम पंचायत में कई कई दावेदार अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन ये सभी जानते हैं कि विजेता सिर्फ एक बनेगा जो जीत का स्वाद चखेगा, बाकी को हार का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। इन्हीं दावेदारों से बात की हमारे संवाददाता भीम शंकर त्रिपाठी ने। प्रधान पद के प्रत्याशियों की लाइन लगी हुई है और मैं यहाँ पर कुछ प्रत्याशियों से बात करके देखूंगा वो क्या कहते हैं, अपने पद की दावेदारी किस प्रकार ठोक रहे हैं। भीम शंकर ने सबसे पहले बात की सोहरामऊ ग्राम पंचायत से प्रधान पद पर दावा ठोक रहे अमित शुक्ला से। अमित शुक्ला ने कहा कि उनकी ग्राम पंचायत का बुरा हाल हो रखा है, लिहाजा वो अब अपनी ग्राम पंचायत को विकास की ओर अग्रसर कराना चाहते हैं, इसीलिए वो प्रधान पद के लिए चुनावी दंगल में उतर रहे हैं। 56 ग्राम पंचायत 422 पर्चे, 422 में 56 जीत की माला पहनकर ब्लॉक आए, यानी 396 लोगों को हार का मुंह देखना पड़ेगा। अब किस प्रत्याशी में कितना दम रहेगा जो 56 की गिनती में आएगा। मैं उन सारे प्रत्याशियों से बात करूंगा और सब कुछ दिखाऊंगा। अभी मेरे पास एक प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आप कहाँ से पूछा? सिजनी सोहरामऊ ग्राम सभा से अमित शुक्ला। आप किन मुद्दों को लेकर प्रधान किया? ग्राम सभा में हम दिल से पूरी श्रद्धा से आए हुए हैं और जनता की सेवा के लिए आए हुए हैं। जो भी उनकी छोटी छोटी समस्याएं हैं, हमारे यहाँ तो 25 साल से प्रधान हैं, उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया है, किसी भी तरीके कोई भी जनता का कार्य नहीं किया है। उन कार्यों को देखते हुए हम, जनता ने हमको बुलाया है और उस बेस पे हम आए हुए हैं और मैं पूरी दिल से और सब जनता के सहयोग से हम समाज सेवा के लिए ही आए हैं और समाज सेवा ही हम करेंगे। अभी तक आपने जनता के साथ क्या किया? अभी तक जनता के साथ में अगर सही मायने में देखा जाए तो छोटी मोटी समस्याएं जो हैं उनकी, उनका निराकरण हम करते रहते हैं पिछले 15 साल से। छोटा मोटा, जैसे मान लीजिए किसी को बीमारी हुई, कहीं किसी को आर्थिक दिक्कतें हुई या किसी भी सामाजिक कार्यक्रम है, उनमें थोड़ा बहुत सहयोग किया है, लेकिन पूर्णतः सहयोग अभी हम नहीं कर पाए। इसी वजह से हम एक माध्यम हमने चुना है प्रधानी का, जिससे जनता का पूरा सहयोग हम कर सके हैं। भाई अपने खर्चे से या अपने व्यक्तिगत से 2-4-10 आदमियों का हम सहयोग कर सकते हैं, लेकिन पूरे समाज का नहीं कर सकते। इसलिए हमको कोई ना कोई सहारा चाहिए और वो हमको सहारा प्रधानी का बेस्ट लगा, क्योंकि अभी हम उस लायक ही हैं, तो इस वजह से हमने वो रास्ता चुना और इसी रास्ते से हमको प्रधानी के ही रास्ते से समाज सेवा करनी है। और मेरा दृढ़ निश्चय है कि हमको पूर्णतः 5 साल समाज सेवा ही करना है। बस आप लोगों का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद, मीडिया से हम यही कहेंगे कि सब लोग मेरा सपोर्ट करो। प्रधान पद के उम्मीदवार अमित शुक्ला को जनता का साथ मिलेगा या नहीं, ये 2 मई को पता चल जाएगा। संवाददाता भीम शंकर ने और भी कई उम्मीदवारों से बात किया, उन्होंने क्या दावा किया देखिए। पंकज कुमार मिश्रा कुछ अपने सदस्यों को लेकर फार्म नामांकन कराने के लिए आए थे, मैं उनसे बात करूंगा। आपने किन मुद्दों को लेकर चुनाव किया? देखिए मुद्दे लगभग सभी ग्राम पंचायतों में एक ही जैसे, कहीं कुछ परिवर्तन है, कहीं थोड़ा कम ज्यादा। जैसे कि आज की तारीख में भी सरकारें जो हैं, हर अपने वोटर्स और जितने भी लोग हैं जिनको पात्र कहा जाता है, उनको हर सुख सुविधा देने का प्रयास सरकारें करती हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के अंतर्गत क्या होता है कि प्रधान जो है, प्रधान बनने के बाद वो उन मुद्दों को भूल करके मनमानी रवैये के तरीके से सारी जो हैं व्यवस्थाओं को देखते हैं। इन सब मुद्दों को देखने के बाद हमारे अंदर हमेशा से प्रश्न उठते थे, उन लोगों से हम प्रश्न करते थे कि आप क्यों नहीं कहते, तो कहने को होता है कि भाई प्रधान से कहा जा रहा है, लेकिन प्रधान कह रहा है हो जाएगा, आपका नंबर लगा है। अब वो नंबर कब आएगा ये कुछ नहीं पता, हाँ लेकिन आजकल जल्दी नंबर आ गया है। सबके लिए प्रधान जी ये बताते फिर रहे कि आपकी कॉलोनी पहले नंबर पर आएगी,
सबको बता रहे हैं पहले नंबर पर, अब जल्दी से आ जाएगी। आपने जनता के लिए क्या किया और कितने पैसे खर्चा कर? देखिए, पैसे खर्च करने की जब बात आती है तो जनता जो है ये चाहती है कि आप हम पे पैसा मत खर्च करो, हमारे लिए जो सरकारी योजनाएं मिल रही हैं वही आप हमें उपलब्ध करा दो, और जब वो मिले तो मुझसे पैसा ना लो। जैसे कॉलोनी आती है 10,000, 12,000, 20,000 जैसे होता है लिया जाता है, तो जनता चाहती है कि हमसे ये मत लो, हमें हमको जो मिल रहा है वो तो दो। तो हमारे बीच में हमारे ग्राम पंचायत के अंतर्गत हमारी जो जन सहयोग है वो यही चाहता है कि पैसा आप मत खर्च। तो हम लोगों का जो 2,000, 5,000, 10,000 खर्चा हो रहा है बस इतना ही है, बाकी हम अन्य भी प्रधान प्रतिनिधियों को ये कहना चाहते हैं कि काम करिए, अगर आप जनता के बीच में अच्छे से काम करेंगे तो जनता खुद आपको चुनेगी और अच्छे लोगों को अवसर। इन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़वा गाँव में सभी जनता का विकास हो और सभी विकास होना चाहिए, उसके साथ जो भी उसमें ग्रामीण हैं जो सभी लोग जो उनका विकास जनता के लिए अभी तक आपने क्या किया? अभी तक जनता के लिए हमने अपने गाँव में तिरंगे भी लगवाए, विद्युतीकरण भी कराया। आप वर्तमान में प्रधान रहे? नहीं रहे, बिना प्रधान के ही हमने ये सब काम किया। चुनाव में कितना पैसा खर्च करें? चुनाव पैसा खर्चा करने की जरूरत है जब जनता हमारे साथ है। दावेदारी करने वाले बहुत हैं, पर विजेता कौन बनेगा ये आने वाली 2 मई को पता चलेगा। पंचायत चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए यू न्यूज। संवाददाता भीम शंकर त्रिपाठी के साथ कैमरामैन सोनू कुमार, पुरवा, उन्नाव, यू न्यूज़।